सीएम योगी आज माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल करेंगे लॉन्च। राज्य सरकार के साथ आम नागरिक के जुड़ाव को बढ़ावा उद्देश्य। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअली करेंगे शिरकत। आज पवित्र सावन का पहला सोमवार, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का रैला। भगवान भोलेनाथ का किया जा रहा है जलाभिषेक। यूपी में देर रात कई आईएएस अधिकारियों के तबादले। अक्षय त्रिपाठी बनाए गए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। सेल्वा कुमारी जे को अलीगढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया। शहीद मेजर पंकज पांडे के घर वालों को योगी सरकार ने दी आर्थिक मदद। सीएम योगी के निर्देश पर बीजेपी विधायक ने सौंपी 50 लाख का चेक। यूपी में सपा करेगी ब्राह्मण सम्मेलन, सूत्रों से खबर। अखिलेश यादव ने 5 बड़े नेताओं के साथ की बैठक। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए बनाई रणनीति। सपा के ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा समाजवाद का दम्भ भरने वाली समाजवादी पार्टी फिर जातिवाद की राजनीति पर उतर आई। लखनऊ में कांग्रेस ने किया प्रजापति समाज का सम्मेलन। अजय लल्लू बोले सब सरकारों ने की इसकी अनदेखी। यूपी में आम को लेकर सियासत जारी। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा राहुल गांधी को अगली मुलाकात में देंगे यूपी के आम, बशर्ते राहुल आम के सीजन में पी ना जाए। गाजियाबाद में पॉलिसी मैच्योर के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 14 महिलाओं समेत 30 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जौनपुर में एक युवक ने अपने जन्मदिन पर गाड़ी की छत पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर निकाला जुलूस। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सीतापुर में हरगांव से बीजेपी विधायक सुरेश राही ने थाने में जमकर काटा बवाल। मंडल महामंत्री की गिरफ्तारी पर आग बबूला हुए विधायक। बहराइच के करतनिया जंगल में सड़कों पर लगाए जाएंगे इन्फो साइनेज। ये साइन पर्यटकों को बताएंगे जंगल का हाल। 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा करतनिया घाट। हरदोई में भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों तड़प कर मर गए। झांसी पहुंचे प्रदेश के कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जैकी। कहा कोरोना खत्म होते ही बंदियों को उनके परिवार के लोगों से मिलने की होगी अनुमति। अमरोहा के गजस्थल गांव में भाजपा विधायक संगीता चौहान ने बांटा राशन। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत छात्रों को दिया मुफ्त राशन। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के गांव में बांटी खाद्य सामग्री। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किसान और मजदूरों को वितरित किया गया राशन। बलिया में पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चलाया अभियान। बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों को दिया गुलाब का फूल। बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनने को कहा। लखीमपुर में उफान पर शारदा और घाघरा नदी, कई गांव में बना हुआ है बाढ़ का खतरा। मंजरी गांव में नदी के बहाव में बहे 8 मकान, कई झोपड़ियां हुई नष्ट। डीएम ने गांव तक हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए। कासगंज में आपसी विवाद में हुई फायरिंग से महिला समेत कई लोग हुए घायल। फायरिंग करने वाला आरोपी फरार। महोबा में 7 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पड़ोसी पर महिला ने लगाया रेप और मारपीट का आरोप। अलीगढ़ पुलिस ने शराब माफिया अनिल चौधरी की करोड़ों की संपत्ति को किया जब्त। नोएडा में पुलिस ने अंतर्जातीय वाहन चोर गिरोह केतु गैंग का किया पर्दाफाश। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में जीवन के लालच में भांजे ने मामा की हत्या करवाई। हत्या करवाने के लिए दी 4 लाख की सुपारी। पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू। कानपुर में व्यापारी की हत्या कर शव को नाले में फेंका। गला घोटकर की गई व्यापारी की हत्या। परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू। मैनपुरी में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। शस्त्र बनाने वाले उपकरण किए गए बरामद। अमरोहा में गांव अलीपुर मिल्क में पुलिस ने शराब माफिया के ठिकाने पर मारा छापा। 12 लीटर लहन और भट्टियों को किया नष्ट। बुलंदशहर में नहर में नहाते समय डूबे 2 युवक। एक युवक को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाला, दूसरे की तलाश जारी। खुर्जा गांव की पूरी घटना। हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। कट्टे के साथ दबंग ने सोशल मीडिया पर अपलोड की तस्वीर। मामला मेवाड़ थाना क्षेत्र के महीरा गांव का। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने 2 युवकों पर किया हमला। गोली लगने से दोनों युवक हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से कैश, तमंचा और कारतूस हुए बरामद। नोएडा में बिस्रक पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 4 गाड़ियां और उपकरण हुए बरामद। ललितपुर में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर देखने को मिली अव्यवस्था। महिलाओं को घंटों गर्मी और धूप में करना पड़ रहा है अपनी बारी का इंतजार। महिलाओं ने बुंदेलखंडी गीत गाकर किया अव्यवस्थाओं का विरोध।
आगरा में अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। ढाबे की आड़ में चलाई जा रही थी नकली शराब की फैक्ट्री। पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में मामलीबाद में कुल्हाड़ी से काटकर एक शख्स की हुई हत्या। पुलिस ने मामले में महिला आरोपी को किया गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश जारी। सहारनपुर में लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने किया बरामद। लड़की को बहला फुसला कर ले जा रहे थे अलीगढ़। पुलिस ने मामले में लड़की के मेडिकल कराने के साथ शुरू की जांच। आगरा में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हुआ हादसा। मिट्टी गिरने से दो मजदूर दबे, एक की हुई मौत। एक हाल ताजगंज के TDI मॉल के पास की घटना। मैनपुरी में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मौके से फरार हुए ससुराल पक्ष के लोग। महिला के परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने मामले में शुरू की जांच। फरुखाबाद में एम्बुलेंस कर्मचारियों को प्रदर्शन जारी। तीन दिनों से चल रहा है कर्मचारियों का धरना। मांगे न मानने पर प्रशासन को दी हड़ताल की चेतावनी। महोबा में सन की पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से किया वार। हादसे में पत्नी की हुई मौत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू। औरैया में घरेलू विवाद में पति ने चाकू मारकर की पत्नी की हत्या। खुद को भी चाकू मारकर किया घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। शामली के आदर्श थाना मंडी इलाके में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत। नोएडा के थाना इकोटेक 3 पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लंबे समय से था फरार।